लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फायर किंग एलेक्स को एक कल्टीवेशन रेसिपी दे देते हैं क्योंकि एलेक्स ने उनके स्टूडेंट्स की जान बचाई थी और उसके बाद एलेक्स जिया के पास चला गया था। अब इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एलेक्स, जिया और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं। फिर ये सभी फायर किंग की दी हुई रेसिपी से बने खाने को उसी पूल में डाल देते हैं और उनकी ऐसा करते ही फायर पूल की स्पीशीज यानी सन फिशेज उस खाने को खाने के लिए ऊपर आ जाती है। तब एलेक्स उन्हें एक जादुई बाउल की मदद से पकड़ने लगता है। तब ये देखकर जिया और वो स्टूडेंट्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फिशेस थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बुरे लोग आ जाते हैं और इतनी सारी फिशेस देखकर वो उन लोगों से कहते हैं कि चुपचाप ये फिशेस हमारे हवाले करके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर जिया कहती है कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इन फिशेस के लिए खाना हमने डाला था तो डेफिनेटली इन्हें हम ही लेकर जाएंगे। लेकिन वो लोग जिया की बातों को ना मानते हुए उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। उधर एलेक्स को फायर पूल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उधर वो लोग जिया और बाकी स्टूडेंट्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि इन मछलियों को खाना हमने दिया था और अब इन फिशेस को तुम लेना चाहते हो, लगता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तब ये बात सुनकर उनमें से एक आदमी एलेक्स पर अटैक कर देता है। तब बदले में एलेक्स भी उसे लड़ने लगता है, जहाँ लड़ते हुए एलेक्स को उस पूल में कुछ अजीब सी मूवमेंट दिखती है जिसकी वजह से एलेक्स जिया को लेकर उन स्टूडेंट्स के साथ उस पूल से दूर चला जाता है। जिसके बाद उस पूल से समथिंग स्वीट फिश और कुछ छोटे छोटे फिशेस बाहर निकलती है जो मिलकर पूल से बाहर खड़े हुए सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लगती हैं। उधर एलेक्स सन किंग फिश को देखकर काफी खुश हो जाता है। उधर उनमें से कुछ लोग उस फिश पर अटैक करने लगते हैं ताकि वो उस फिश को अपने कंट्रोल में करके उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सके। तब ये देखकर एलेक्स कहता है कि अगर मैं भी इस फिश को पकड़ लूं तो मैं अपनी बहुत सारी एनर्जी को प्योर कर सकता हूं। इसीलिए एलेक्स अपनी सॉर्ड से उस फिश पर अटैक करता है लेकिन इस अटैक से उस फिश को कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अब वो एलेक्स की तरफ आग फेंकने लगती है लेकिन एलेक्स भी उस आग से बच जाता है। इसके बाद वो किंग फिश वापिस से फायर पूल में चली जाती है। तब ये देखकर एलेक्स थोड़ा अपसेट और डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तब ये देखकर जिया उसे कहती है कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है बल्कि ये गलती उन लोगों की है जो हमारे बीच में आई, वरना हम उस फिश को भी पकड़ लेते। लेकिन तभी एलेक्स जिया को अपनी पकड़ी हुई फिशेस दिखाता है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए वहाँ पर खड़े हुए लोग एलेक्स से वो फिशेस मांगने लगते हैं। तब एलेक्स के कुछ ना बोलने पर एक आदमी एलेक्स पर अटैक कर देता है। तब एलेक्स उसके साथ फाइट करके उसे पीछे धकेल देता है। तब ये देखकर वो लोग अपनी स्प्रिट टेक्निक एलेक्स की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तब एलेक्स भी अपनी नई सीखी हुई टेक्निक की मदद से उन्हें पत्थर में बदलकर मार देता है और उन सबकी स्पिरिट्स भी उस बाउल में कैद कर लेता है। अब इस तरह से एलेक्स ने उन सबको मारकर जिया और बाकी लोगों की जान बचाई। इसके बाद एलेक्स, जिया और वो स्टूडेंट्स उन फिशेस को पकाकर खाने लगते हैं। फिर बाद में एलेक्स और जिया उन फिशेस से मिली एनर्जी को प्योर करने लगते हैं, जहाँ पर एलेक्स को लगता है कि उसे स्पिरिट इंक्रिप्शन लेवल पर पहुँचने में काफी टाइम लगेगा। तभी एलेक्स को एक जगह से चमकदार रोशनी आती हुई दिखाई देती है, इसीलिए एलेक्स उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पहुँचने पर उसे एक ट्री दिखाई देता है जिसके ऊपर से दो खास बर्ड्स उड़कर चले जाते हैं। तब एलेक्स को लगने लगता है कि जरूर इस ट्री पर कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए वो उस ट्री पर चढ़ जाता है, जहाँ ऊपर चढ़ने पर उसे नेस्ट के अंदर से एक चमकता हुआ अंडा दिखाई देता है। तब एलेक्स उस अंडे को अपने हाथ में उठा लेता है लेकिन इतनी ही देर में एलेक्स पर जोरदार बिजली गिरती है। तब ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये अंडा खास है और यही वजह है कि इसे लाइटनिंग से प्रोटेक्ट किया गया है। अब एलेक्स सोचने लगता है क्या वो इस अंडे को खा ले जिससे उसकी एनर्जी बढ़ सके या फिर इसके अंदर से निकले बर्ड की टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए। तब एलेक्स सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो उस अंडे को नहीं खाएगा। इसके बाद वो उसी बाउल से उस अंडे को भी हैच करने लगता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो बाउल जोरों से हिलने लगता है, साथ साथ उस पूरे ट्री में आग लग जाती है। तब एलेक्स उस ट्री की आग को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और तब वो अंडा भी टूट जाता है, जहाँ उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड बाहर निकलता है। तब एलेक्स उस बर्ड को देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे देखकर मॉम मॉम नहीं बोलोगे? तो वो बर्ड चिल्लाते हुए एलेक्स से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस अंडे से बाहर निकालने की। फिर वो बर्ड एलेक्स को उस बाउल में डालकर उसके नीचे आग लगा देता है। तब एलेक्स उसे कहता है कि मैं स्टोन विलेज से आया हूँ और फायर किंगडम की प्रिंसेस मेरी दोस्त है और अगर तुमने मुझे हार्म किया, मुझे कुछ भी किया, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तब ये सुनकर वो बर्ड कहता है कि मैं फायर किंगडम की सेक्रीफाइस स्पिरिट हूँ और फायर प्रिंसेस है तो क्या, मैं तो फायर किंग से भी नहीं डरता। तब ये सुनकर एलेक्स काफी हैरान हो जाता है। तब वो बर्ड कहता है कि पहले ये पोजीशन मेरी दादी के पास थी लेकिन तुम्हारे मुझे अंडे से बाहर निकालने की वजह से अब ये पोजीशन मुझे मिल गई है। इसके बाद वो बर्ड एलेक्स से कहता है कि क्या तुम वाकई ही स्टोन विलेज से आए हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले वहाँ पर एक गोल्डन मंकी गुम हो गया था और उस मंकी के हाथ में माउंटेन ट्रेजर था। तब ये सुनकर एलेक्स हैरान होकर कहता है कि लगता है मुझे चैम को सबक सिखाना पड़ेगा क्योंकि उसने उस ट्रेजर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तब चैम
का नाम सुनकर वो बर्ड एलेक्स की आग को बुझा देती है। तब एलेक्स उस बर्ड से कहता है, मैंने तुम्हें अंडे से बाहर निकाला है, तो क्या तुम मुझे कोई ट्रेजर नहीं दोगे, जिस पर वो बर्ड उसे मना कर देता है। तब एलेक्स उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे अपना स्पिरिट फेदर तो दे दो, जिस पर वो बर्ड कहता है कि स्पिरिट फेदर लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही मिलता है और तुम चाहते हो कि वो मैं तुम्हें दे दूं। तब ये सुनकर एलेक्स उसे गुस्से में कहता है, तो क्या फिर तुम मुझे कुछ भी नहीं दोगे। तब वो बर्ड कहता है कि होली एम्परर पैलेस में एक स्पिरिट फेदर पड़ा हुआ है। इतनी ही देर में वहाँ पर जिया भी आ जाती है और वो उस बर्ड को पहचान कर उसे मिलती है। फिर यहाँ पर वो बर्ड उन दोनों से कहता है कि अगर तुम एक बार उस पैलेस में चले गए तो इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओगे, यानी अगर तुम्हें उस पैलेस में किसी भी चीज की जरूरत हुई तो कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो बर्ड अपने असली रूप में आकर एक पोर्टल को ओपन करता है ताकि वो दोनों यानी एलेक्स और जिया उस पैलेस में जा सके। इसके बाद वो बर्ड उन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों वहाँ जाने का डिसाइड कर लो तो मुझे यानी प्रिंसेस को बता देना। जी हाँ बिल्कुल, वो बर्ड एक फीमेल थी। तब ये सुनकर एलेक्स उसे कहता है, ओ अच्छा तुम भी प्रिंसेस हो, तो तब तो तुम्हें प्राउड होने का पूरा हक है। तब ये सुनकर जिया को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को किक करके उस पोर्टल में फेंक देती है। इसके बाद जिया भी उस पोर्टल में चली जाती है, जहाँ जाने के बाद जिया पैलेस की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों एलेक्स के बाउल में बैठकर पैलेस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पैलेस के बाहर एक शील्ड बनी हुई थी। तब ये देखकर जिया कहती है कि मुझे मेरे फादर ने बताया था कि इस पैलेस के अंदर जाना आसान नहीं है बल्कि काफी मुश्किल है और इस पैलेस में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जो यहाँ के फायर पूल की फिशेज को ऊपर लाकर रेनबो ब्रिज बना सके। तब ये सुनकर एलेक्स उस फायर पूल में खाना डालता है, जिन्हें खाने के लिए बहुत सारी फिशेज ऊपर आ जाती है और उन फिशेज के वहाँ पर आते ही एक बड़ा सा ब्रिज बन जाता है। तब वो दोनों उस ब्रिज के जरिए अंदर जाने लगते हैं। तब एलेक्स वहाँ पर चलते चलते कहता है कि इतनी सारी फिशेज तो मैं अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं खा सकता। तब ये सुनकर वो सारी फिशेज काफी डर जाती हैं और वापिस से पूल में चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। तब वो दोनों संभलते हुए किसी तरह उस बाउल में आ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जिया एलेक्स को डांटती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तब एलेक्स कहता है कि मुझे क्या पता था कि मेरे ऐसा बोलने से वो ब्रिज टूट जाएगा। फिर एलेक्स को रेनबो ब्रिज का ख्याल आता है, जिसको बनाने का तरीका फायर एम्परर ने उसे सिखाया था। तब एलेक्स उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है और फिर वहाँ पर एक ब्रिज बनाकर उसे अपनी एनर्जी से रेनबो ब्रिज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखकर जिया काफी खुश हो जाती है। साथ साथ पूल में वो फिशेज भी काफी हैरान होती हैं कि आखिर एलेक्स ने ऐसा कैसे किया। फिर एलेक्स उस ब्रिज की मदद से जिया को लेकर पैलेस की तरफ बढ़ता है। फिर वो दोनों पैलेस के गेट तक पहुँच जाते हैं। पैलेस के गेट को देखकर जिया बताती है कि कहा जाता है कि कुछ खास किस्मत वाले लोग ही पैलेस के अंदर जा सकते हैं। फिर एलेक्स उस गेट को टच कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो गेट ओपन हो जाता है। तब एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की किस्मत ही अच्छी है। तब ये सुनकर जिया एलेक्स को अलर्ट करते हुए कहती है कि ये गेट तो बस ऐसे ही खुल गया, हमें तो उस आगे वाले गेट के अंदर जाना है और 90% लोग उस गेट के अंदर जाने के बाद मर जाते हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं उस गेट के अंदर जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर फायर किंगडम की ब्लड लाइन है। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें ही पहले अंदर जाना चाहिए। तब ये सुनकर जिया एलेक्स पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मुझे अंदर जाने से रोकोगे, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तब एलेक्स उसे कहता है, अरे पागल लड़की, अगर तुम्हें अंदर जाने से कोई खतरा होता तो तुम्हारे फादर इन्हीं फायर किंग तुम्हें इस पैलेस के बारे में बताते ही क्यों। तब ये सुनने के बाद जिया अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही एक फायर बॉल जिया के ऊपर गिर जाती है। तब ये देखकर एलेक्स जल्दी से अंदर आता है, लेकिन अंदर आने के बाद वो देखता है कि उस फायर बॉल ने जिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो फायर तो सिर्फ चेक कर रही थी कि जिया फायर किंगडम से है भी या फिर नहीं। लेकिन तभी वैसी एक फायर बॉल एलेक्स की तरफ आने लगती है। तब एलेक्स उस फायर बॉल से दूर हटकर बच जाता है, लेकिन वो दूसरी आने वाली फायर बॉल से नहीं बच पाता, जिसकी वजह से वो फायर बॉल एलेक्स को जलाने लगती है, लेकिन एलेक्स किसी तरह उसे बच जाता है। अब एलेक्स को थोड़ा जख्मी देकर जिया उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है, लेकिन इसकी वजह से एलेक्स के सारे कपड़े जल जाते हैं क्योंकि जिया अभी भी फायर बॉल के अंदर ही थी। तब ये देखकर जिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है। इसके बाद वो दोनों नए कपड़े पहनकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जिया थोड़ा गुस्सा थी। तब एलेक्स उसे पूछता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, मैंने तुम्हें आग में जलता हुआ देखा तो तुमने भी तो मुझे वैसे देख लिया ना। तब ये बात सुनकर जिया एलेक्स को चुप रहने के लिए बोलती है। उसी टाइम उन्हें वहाँ पर एंशियंट स्क्रिप्चर दिखता है। तब जिया उसके सामने जाकर हाथ जोड़ लेती है और बाद में जिया उस स्क्रिप्चर के पास जाकर बैठ जाती है और वो एलेक्स को भी उस स्क्रिप्चर के सामने बैठकर मेडिटेट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्क्रिप्चर कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा था। अब थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद उस स्क्रिप्चर में से कुछ एनर्जी बाहर निकल कर जिया को एक एनर्जी बॉल के साथ साथ लोटस फ्लावर में कैद कर लेती है, लेकिन एलेक्स वहाँ पर बैठकर मेडिटेट नहीं कर पा रहा था। इस
इसीलिए उसे लगने लगता है कि यहाँ पर बैठकर सिर्फ फायर किंगडम के लोग ही मेडिटेट कर सकते हैं। फिर एलेक्स उस स्क्रिप्चर को देखने लगता है, लेकिन तभी उस स्क्रिप्चर के पास एक हाथ बनता है और एलेक्स उसे टच करता है और उसके ऐसा करते ही उस स्क्रिप्चर में से बहुत सारे सिम्बल्स निकल कर एक बर्ड बीस्ट में बदल जाते हैं और तभी वो बर्ड बीस्ट एलेक्स की तरफ बढ़ती है। तब एलेक्स अपनी कंबाइंड टेक्निक से उस बर्ड बीस्ट पर अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तब ये देखकर एलेक्स कहता है कि ये बीस्ट काफी खतरनाक और पावरफुल है, लेकिन तभी वो बीस्ट एलेक्स को पकड़कर उस पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर एलेक्स दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि एलेक्स की बॉडी काफी स्ट्रांग थी। लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि वो बीस्ट एक अटैक करने वाला है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है ये तो वही 4 अटैक्स हैं जिनके बारे में मुझे फायर किंग ने बताया था, इसीलिए मुझे इन 4 अटैक से बचकर इन्हें सीखना होगा। अब एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से उस बीस्ट से दूर भागने लगता है, लेकिन तभी वो बीस्ट एलेक्स को पंजों में जकड़कर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन एलेक्स एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उस बर्ड बीस्ट की कुछ एनर्जी एलेक्स के पास आ जाती है। इसके बाद एलेक्स दोबारा से उस बीस्ट पर कंबाइन अटैक करता है, लेकिन वो बीस्ट उस कंबाइन स्पिरिट को दूर फेंक देता है और एलेक्स को चेन से पकड़ने की कोशिश करता है। तब एलेक्स उन चेन से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि वो बीस्ट अपना 4th मेजर अटैक करने वाला है। तब एलेक्स अपने सोल्स पावर इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है, लेकिन इससे भी उस बीस्ट को कुछ नहीं होता और अब वो एलेक्स पर आग के गोले बरसाने लगता है, लेकिन एलेक्स उन सभी फायर बॉल से बच जाता है, जिसके बाद एलेक्स में उस बीस्ट की सारी एनर्जी आ जाती है। लेकिन तभी वो जगह टूटने लगती है क्योंकि जिया की कल्टीवेशन पूरी हो गई थी और उसने भी बर्ड बीस्ट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। फिर एलेक्स जिया को लेकर अपने गोल्डन विंग्स की मदद से पैलेस के और अंदर चला जाता है ताकि वो दोनों वहाँ पर फंस ना जाएं। वहाँ पहुँचने पर जिया एलेक्स से पूछती है कि ये सब कुछ अभी क्या हुआ था, जिस पर एलेक्स कहता है कि जब तुम मेडिटेट कर रही थी तब मैंने उस बर्ड बीस्ट की 4 अटैक सीख लिए और उसी बीच ये सब कुछ हो गया। तब ये सुनकर जिया एलेक्स से कहती है कि मुझे मेरे फादर ने बताया था कि जो ऐसे 10 अटैक सीख लेगा वो एक सुप्रीम टेक्निक बना पाएगा, लेकिन तुम्हें बाकी अटैक सीखने में काफी टाइम लगने वाला है। तब ये सुनकर एलेक्स कहता है कि इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें यहाँ पर और कुछ देखना चाहिए, क्या पता शायद हमें यहाँ पर कुछ और मिल जाए। तभी उन्हें वहाँ पर होली पैलेस का एक पूल मिलता है जिसका नाम निर्वाणा होता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लोटस फ्लावर्स लगे हुए थे। तभी ये देखकर जिया कहती है कि ये पूल उस बर्ड बीस्ट की सोल से बना है जो कि हमारी बॉडी और एनर्जी को भी प्योर बना सकता है, जिस पर एलेक्स कहता है कि अच्छा तो फिर तो इसके लिए हमें नहाना पड़ेगा, लेकिन क्या तुम और मैं एक साथ इस पूल में जाएंगे। तब ये सुनकर जिया जोर से एलेक्स को स्लैप करते हुए कहती है कि चुपचाप पीछे हटकर खड़े हो जाओ और पूल के अंदर पहले मैं जाऊंगी। तब एलेक्स ऐसे ही करता है और जिया पूल में चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद एलेक्स भी पूल में जंप कर देता है। अब पूल में नहाने की वजह से उन दोनों की बॉडीज हील होने लगती है। इसके बाद हमें डेविड दिखाया जाता है जो कि एक स्नेक बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन तभी उसे भी उसकी बॉडी हील होती हुई फील होती है क्योंकि एलेक्स और डेविड की बॉडी सुप्रीम बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड थी। उधर एलेक्स पूल में बैठकर अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन तभी वो सारी एनर्जी उसकी रिबॉन होने वाली सुप्रीम बॉन्ड पर ओवरलोड हो जाती है और ऐसा होते ही एलेक्स की बॉडी से तेज एनर्जी की बीम बाहर निकलती है, जिसको पहले से बाहर बैठी हुई वो बर्ड भी देख लेती है और कहती है ये इतनी एनर्जी आखिर आ कहाँ से रही है। तब ये देखकर एलेक्स भी समझ जाता है कि उसकी सुप्रीम बॉन्ड फिर से पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी एलेक्स की बॉडी से ओवरलोड होकर बाहर निकल गई थी। लेकिन तभी एलेक्स जिया को देखता है जो कि एक एनर्जी बॉल के अंदर थी, क्योंकि उसका प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तब ये देखकर एलेक्स अपने कपड़े पहनकर वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ उसे उसका डिवाइन स्टोन दिखता है जो कि एक लावा जैसी चीज को खाने जा रहा था। लेकिन एलेक्स उससे रोककर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो डिवाइन स्टोन कहता है कि तुमने और जिया ने उस पूल की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, इसीलिए मैं आसपास की खास खास चीजों को ढूंढ कर खा रहा हूँ। तब ये सुनकर एलेक्स एक तरफ इशारा करते हुए उसे कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेजर है, तो इसीलिए वो डिवाइन स्टोन उसी तरफ चला जाता है, जिसके जाते ही एलेक्स उस एनर्जी यानी उस लावा जैसी चीज को एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी जिसे वो डिवाइन स्टोन खाने वाला था। तब ये देखकर वो डिवाइन स्टोन एलेक्स पर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुमने मेरा लिक्विड ट्रेजर चुरा लिया, इसीलिए तुम्हें अब इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तब एलेक्स उसे चुप करवाते हुए उसे कहता है कि ठीक है, मैं बाद में तुम्हें बहुत सारा ट्रेजर दे दूंगा। फिर एलेक्स उस डिवाइन स्टोन को एक लावा के पूल के पास ले आता है, जिसे देखकर वो डिवाइन स्टोन कहता है कि तुमने एक बार फिर से मेरे साथ झूठ बोला, क्योंकि ये बस एक आम डिवाइन पूल है, इसके अंदर कोई एनर्जी कोई पावर नहीं है। उसी टाइम उस डिवाइन स्टोन को एक बड़ा सा गेट दिखता है, जिसके ऊपर की दीवार पर बहुत सारे बीस्ट की पिक्चर्स बनी हुई थी। फिर एलेक्स उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोल देता है और डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह के अंदर चला जाता है, और ये जगह देखने में काफी डरावनी लग रही थी, इसीलिए डिवाइन स्टोन एलेक्स को वापस चलने के
के लिए कहता है, लेकिन तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है जिसकी वजह से वो डिवाइन स्टोन और डर जाता है और घबराने लगता है और डरते हुए एलेक्स के बालों में छुप जाता है। उसी टाइम एक बड़ा सा मंकी बीस्ट कूद कर एलेक्स के पास आता है, जिसे देखकर वो डिवाइन बीस्ट उसे कहता है कि अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये जगह कौन सी है। लेकिन तभी वो मंकी बीस्ट गुर्राते हुए एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे बचकर पीछे हो जाता है। तब ये देखकर डिवाइन स्टोन कहता है कि क्या तुम इस मंकी बीस्ट से ऐसे लड़ोगे, जिस पर एलेक्स कहता है क्यों, इसमें ऐसा क्या खास है। तो वो डिवाइन स्टोन बताता है कि पुराने टाइम में इस मंकी बीस्ट की एक काफी बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें ये मंकी आसानी से जीत गया था, लेकिन तभी वो मंकी एलेक्स पर अटैक कर देता है। तब एलेक्स भी अपने पंच का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो बड़ा सा मंकी एक दूसरे एलेक्स में बदल जाता है, यानी जो सेम टू सेम एलेक्स जैसा ही होता है। तब ये देखकर वो डिवाइन स्टोन डर जाता है, लेकिन तभी असली एलेक्स नकली एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन नकली एलेक्स उसके अटैक को रोककर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन असली एलेक्स अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक को बाहर निकालकर उसकी तरफ भेजता है। तो यहाँ पर नकली वाला भी लाइन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उनके अटैक्स खत्म हो जाते हैं। और तब वो डिवाइन स्टोन कहता है कि मैं तुम दोनों में से असली एलेक्स को नहीं पहचान पा रहा हूँ, इसीलिए अब तुम लड़ो मत और रिलैक्स हो जाओ। उसी टाइम असली एलेक्स डिवाइन स्टोन को पकड़कर उसे नकली एलेक्स की तरफ मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से असली एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी असली एलेक्स डिवाइन स्टोन की मदद से उसकी स्पीड को कम करके उस पर बर्ड स्ट्राइक अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन उस नकली वाले को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब असली एलेक्स अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बार बार नकली एलेक्स पर अटैक करता है, जिसकी वजह से असली एलेक्स उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी नकली वाला असली एलेक्स की स्पीड को समझ कर उसे लड़ने लगता है, लेकिन असली एलेक्स उसे लड़कर उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो नकली एलेक्स फिर से मंकी बीस्ट में बदल जाता है। जब ये देखकर एलेक्स उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई, लेकिन तभी वो मंकी बीस्ट अपने आसपास की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपने आप को एक मैक्स लेवल डिवाइन टेक्निक में बदल लेता है। तब ये देखकर एलेक्स उसे एक बेल में कैद कर लेता है और अपनी नई बनाई हुई टेक्निक को भी वो बाहर निकाल लेता है, और उसी टाइम वो मंकी उस बेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी नई टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अब वो मंकी वहाँ से गायब हो जाता है और उसके अंदर से एक जादुई पेपर निकल कर जल जाता है। अब उस मंकी के मरने के बाद एलेक्स खून का सांस लेता है और कहता है कि ये तो 10 सबसे बड़े लेजेंडरी बीस्ट में से एक था, लेकिन फिर भी ये दूसरी बीस्ट की टेक्निक कैसे बना पाया। तब ये सुनकर डिवाइन स्टोन उसे बताता है कि एक लेजेंडरी मंकी किसी भी बीस्ट की टेक्निक को बुला सकता है और उनकी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये तो एक क्लोन था क्योंकि इसके अंदर एक क्लोन पेपर था, वरना तो असली वाले की पावर इससे कहीं ज्यादा है और वो असली वाला ही छोटे गोल्डन कलर वाली मंकी में भी बदल जाता है। जब ये सुनकर एलेक्स को चाम की याद आती है कि कहीं वही तो लेजेंडरी मंकी तो नहीं, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह को अच्छे से देखने लगता है, जहाँ एक जगह एलेक्स को एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो इसीलिए वो इस बारे में डिवाइन स्टोन से पूछता है, जिस पर वो डिवाइन स्टोन उसे बताता है कि ये जगह एक एक्सपेरिमेंटल लैंड है जिसमें पुराने टाइम में 108 लेवल्स बनाए गए थे और जो कोई भी उन 108 लेवल्स को पार कर लेगा तो उसके लिए एक खास रास्ता बन जाएगा, जिस पर एलेक्स कहते हैं कि कौन सा रास्ता, लेकिन वो डिवाइन स्टोन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। तभी सुनकर एलेक्स उस डिवाइन स्टोन को दीवार पर देखकर मारता है और कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं जानते तो फजूल क्यों बोलते हो, लेकिन तभी एलेक्स देखता है कि उसने डिवाइन स्टोन को जिस दीवार पर मारा था वो दीवार खुल जाती है क्योंकि वो एक गेट था और उसके अंदर से अजीब तरह की लाइट बाहर आने लगती है जो एलेक्स को जानी पहचानी लग रही थी, और तभी एक ब्लैक पेपर बोर्ड वहाँ से बाहर निकलती है और इस बोर्ड को भी एलेक्स ने पहले देखा होता है। अब एलेक्स उस ब्लैक पेपर बोर्ड को लेने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे पोर्टल से एलेक्स पर अटैक होता है, लेकिन एलेक्स उन सभी अटैक्स को रोक लेता है और उसके ऐसा करते ही वो पेपर बोर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। तब उसे देखकर एलेक्स सोचने लगता है कि इस पेपर बोर्ड के पीछे जरूर किसी न किसी चीज का कोई कनेक्शन जरूर है। फिर इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है जहाँ उसे एक बड़ी सी वॉल पर वैसे ही पेपर बोर्ड दिखती है, जिसे देखकर डिवाइन स्टोन कहता है कि जरूर इस बोर्ड का ऑनर कोई बड़ा लीडर होगा, इसलिए तुम इस वॉल को हाथ मत लगाना क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी एंशियंट चीजों को हाथ लगाता है तो वो चीज गायब हो जाती है। फिर आगे एलेक्स एक एक करके उन 108 लेवल्स को पार करने लगता है, जहाँ उसका सामना अलग अलग तरह के बीस्ट के क्लोन से होता है क्योंकि एलेक्स जानता था कि उस नए बनने वाले रास्ते पर क्या होगा। अब ऐसा करते करते एलेक्स एक और लेवल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जिया की एनर्जी बॉल फट जाती है। तब एलेक्स जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और देखता है कि उस एनर्जी बॉल की वजह से जिया की पूरी बॉडी प्योर बन चुकी है, जहाँ जिया चेंज भी हो जाती है और वो पहले से काफी खूबसूरत बन जाती है। साथ ही साथ उसके पास काफी बड़े बड़े विंग्स भी आ गए थे, जिसे देखकर एलेक्स उसे पूछता है
कि क्या तुम इन विंग्स से कुछ कर भी सकती हो या ये बस यूं ही है दिखाने के लिए। तब ये सुनकर जिया अपनी विंग्स को हिलाती है जिससे वहाँ पर काफी तेज हवा चलती है। उसी टाइम एलेक्स को वहाँ पर बाहर वाले बर्ड का बताया हुआ वो फेदर भी दिखता है। तब एलेक्स उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो फेदर एलेक्स को पीछे फेंक देता है, जिस पर जिया कहती है कि ये होली लैंड का ट्रेजर है इसीलिए इसको फायर किंगडम के लोग ही निकाल सकते हैं। फिर जिया ऐसा ही करती है और वो फेदर निकाल कर वो एलेक्स को दे देती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जिस पर एलेक्स कहता है लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन जिया उसकी बात नहीं मानती। फिर आगे हम एक जगह पर कुछ लोगों को देखते हैं लेकिन तभी उस जगह पर एक पोर्टल बन जाता है और उस पोर्टल को देखकर वहाँ पर मौजूद वो सब लोग छुप जाते हैं और तब उस पोर्टल में से एलेक्स बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो दूसरी जगह पर कैसे पहुँचा क्योंकि जिया और वो दोनों एक साथ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर गए थे। अब एलेक्स उस फेदर को अपने ट्रेजर बैग में रख लेता है लेकिन तभी एक जॉइंट हैंड एलेक्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं।